नमस्कार दोस्तों, आपका अपना श्रवण। मेरे साथ नू हरियाणा का एक लाडला बेटा। नू हरियाणा, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वहां थोड़ा शिक्षा का भी अभाव है, शिक्षा कमी है, फिर भी हमारे अहमद साहब ने अपने बच्चे को 10th पास करते सोपा सीएलसी को। आपने 10th पास किया, आप 11th सीएलसी आ गए, 11th 12th आपने सीएलसी से किया, 12th का स्कोर भी आपका 83% है, 10th का स्कोर आपका 97%, एक बहुत प्यारा बच्चा हमारा है। 12th के बाद आपने एक ड्रॉप लिया सीएलसी में, आपका स्कोर रहा 590। तो नो डाउट बड़ा प्रेशर रहा होगा तुम कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 590 के बाद जब कॉलेज आपको अच्छा नहीं मिला तो आपने फिर विश्वास किया अपने सीएलसी पे, फिर उंगली पकड़ी अपने बॉस की, टीम सीएलसी की, और आज मेरा सीना चौड़ा होता कहते हुए 685 के स्कोर के साथ आप देश की श्रेष्ठतम कॉलेज में अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो मैं आदिल का जो परिचय दिया है, ये विश्वास का परिचय है। 11 यहां किया, 12 किया, पहला ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, 590 से बढ़ा के 685, यहां भी आपने लगभग 100 नंबर का इंक्रीमेंट किया है। आपका टेस्ट का एवरेज था 626 नंबर, और 626 685 पे गए। दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, 60 नंबर का इंक्रीमेंट है हमारे टेस्टों से और नीट में, ये क्वालिटी है। आदिल के फादर साहब खलील अहमद साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा आदिल अपनी बात रखे। बेटा, आपने जो 4 साल सीएलसी में जो महसूस किया, और आज आप एक सफल व्यक्ति हैं, शायद नू में तो इतने मार्क्स आप ही के आए होंगे, वहां आज तक अभी नहीं आए होंगे, तो इससे माहौल मिलेगा, आप वहां प्रेरणा बनेंगे लोगों के लिए, तो प्लीज आदिल बताएं बेटा अपने बारे में। जय सीएलसी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद आदिल, जब 11th में यहाँ आया था, फर्स्ट बैच से पहले ही आ गया था 2-3 दिन पहले, क्योंकि पापा जी बोल रहे थे कि एक भी क्लास मिस नहीं करनी, एकदम अच्छे से पढ़ना है, ये सब। हम आ गए थे इधर और बॉस से बात की, एडमिशन कराया। शुरू में थोड़ा दिक्कतें आई थी, फिर अच्छी ट्यूनिंग बैठी, टीचरों से सब समझना स्टार्ट हुआ, हाँ, और मार्क्स बढ़ते चले गए, और फिर 11th मेरा काफ़ी अच्छा गया, 500 प्लस एवरेज था, लेकिन 12th में लॉकडाउन लग गया और मैं घर पे ही रह गया, तो डिस्टर्ब हो गया, और लगभग 6 महीने मैंने किताबें भी नहीं खोली घर, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी वगैरह नहीं थी, दुकान थी। आप वो बैच हो लो थोड़ा जो छुट्टियों घर गया हुआ था, फिर 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, आप शायद 8 मार्च को घर गए थे। तो आप किताब लेके गए नहीं थे, आपने कहा मजे करके आने 10 दिन, क्योंकि आपको वापस 23 मार्च को आना था, 23 मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी। 12th के साथ मेरा स्कोर 520 था, और फिर मैं बॉस के पास आया, बॉस ने कहा कोई ना, इस बार फिर कर मेहनत करना, फिर मैं लगा, 590 आया, हालांकि काफ़ी दुख हुआ था उस समय, और मैं थोड़ा बीमार हो गया था एक्चुअली, इसलिए रह गया। इस साल फिर लगा और 685 का स्कोर किया मैंने। कोई एक लाइन आप तो रिपीट करके कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए रोल मॉडल है, कि आज भी हमारा बेटा 1500 बच्चा है, इस साल 1500 बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर 500-600 के बीच है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, बॉस की उंगली पकड़ें, और क्योंकि सीएलसी है तो संभव है, और आप सीएलसी आए, मैं खुद यहाँ आया था और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीकर अब एक अच्छी याद की तरह रहेगा मेरे लिए। थैंक यू अहमद साहब, प्लीज आपका बेटा सिलेक्ट हुआ है तो आपका वहाँ का पढ़ाई का माहौल, और आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो आपके यार दोस्तों ने 2 दिन में खूब आपको दुआएं बधाइयां दी होंगी। हाँ सर, काफ़ी बधाइयां मिल रही हैं। मैं खलील अहमद, तो सर कल तो इतनी बधाई मिली, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात। और फिर वहाँ से हम करीब 9 बजे फारिग हुए, और फिर यहाँ पे आया, थोड़ी तबीयत वैसी हो रही है सर, कोई बात नींद, डॉक्टर आपके बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, आपके तबीयत चिंता मत करो, यही सबसे बड़ी खुशी है सर, और हमने सीएलसी पे पूरा विश्वास किया सर। आप देखो सारे बच्चे वो हैं जो सीएलसी के साथ 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, या तो 9th से हैं, 11th से हैं, और ड्रॉप किया तो इन्हें छोड़ा नहीं, छोड़ेंगे ना तेरा साथ वो साथी मरते दम तक वाली बात है यहाँ पे, और सीएलसी ने वादा निभाया, इन्होंने विश्वास निभाया, सीएलसी टीम ने वादा निभाया, आज हम सफल हैं। जैसा हमारे भाई इतने खुश हैं कल तो, कि इतने फोन आए कि फोन रिसीव करने का टाइम नहीं मिला। दोस्तों यही सफलता है। आदमी अक्सर कहता हूं मैं, अरे हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पिता के सपने पूरे करने हैं, पिता को कार में घुमाना है, पिता को राड़ों की घड़ी पहनानी है, माँ को दुनिया के महंगे आभूषण दिलाने हैं, दादा को भी जिंदगी के अंतिम समय में बहुत अच्छी दैनिक सुख सुविधाएं, इसलिए पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ईश्वर से खुदा से प्रार्थना करता हूं कि आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें सीएलसी को। थैंक यू, नमस्कार, जय सीएलसी।